तो स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। दोस्तों अभी मैं भी व्यस्त ही हूँ और अभी 11:15 हो चुका है और अभी मैं घर से निकला हूँ सीतामढ़ी के लिए। दोस्तों चलते हैं, कुछ माल लेकर आते हैं। और दोस्तों आज है ना लेट हो गया है इस कारण क्योंकि मेरे भगनी का शादी था, तो शादी में गए हुए थे तो रात भर का जगरना हो गया। इसकी वजह से आए हैं सुबह आए हैं तो सो गए हैं। सोने के बाद है ना 9 बजे उठे, 9 बजे बाद खाना ना खा करके और अभी निकल चुके हैं सीतामढ़ी के लिए। चलते हैं सीतामढ़ी मार्केट में पहुंच करके और फिर मिलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या ले पाते हैं, क्योंकि आज डिसाइड करके नहीं गया हूं कि क्या क्या लेना है, सीधे चल दिया हूँ। देखते हैं कितना का माल लेते हैं और क्या क्या लेते हैं। अभी सीतामढ़ी मार्केट में पहुंच गए हैं। ये एक्सचेंज रोड, पुराना एक्सचेंज रोड मार्केट है, तो चलिए अभी चलते हैं जिस दुकान से माल लेना है उस दुकान में चलते हैं। दोस्तों अभी हमें सारा माल को छाँट लिया, जो छाँटना था उसे छाँट लिया और देख सकते हैं इधर हमारा सारा माल है और हिसाब अभी हो रहा है तो हिसाब करवा लेते हैं, फिर लोग सरिया लेंगे फिर चलेंगे। ये सब करवा। दोस्तों अभी हमने माल उल लेकर के अभी चल रहा हूँ घर पे। दोस्तों तीन दुकान में से माल लिया, एक में से ओढ़नी, एक में से गमछा और एक में से कुर्ती उर्ती सब। देख सकते हैं ये सारे, एक आधा बोरा ये माल है और एक झोला ये माल है। टोटल माल की बात करें तो दोस्तों 9000 का टोटल माल है, 9000 का माल इतना ही हुआ है देख सकते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं, पेट्रोल डलाएंगे। अभी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे रुके हैं, गर्मी काफ़ी है, पेड़ है यहाँ पे, जंगली पेड़ है तो यहीं पे रुके हैं और चलते हैं दोस्तों पेट्रोल डलाएंगे, उसके बाद में चलेंगे घर पर, दिखाएंगे क्या क्या माल लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों अभी 2:30 बज गया है और अभी मैं आया हूँ, तो देख सकते हैं अभी झोरा उतार लिया, अभी बोरा उतार लेते हैं, उसके बाद में हाथ में पोंछ करके थोड़ा सा आराम करेंगे फिर सबको निकालेंगे। दोस्तों टाइम अभी हो गया है 5:45 और इस समय का भी कुछ इस प्रकार का है देख सकते हैं। और दोस्तों अभी चलते हैं सारे माल को भी जो है ना इधर देख सकते हैं, ये बोरा में है आधा बोरा और ये झोरा में, इसमें तो खाली गमछा है ओढ़नी है और इसमें सामान सब है, ये बोरा में और ये दोनों मिला करके 8900 का माल है, 9000 में 100 का माल है, 100 कम का माल है यानी कि 8900 का माल है, तो ये सब तो है। और आज जो है ना सारे माल को गिनती करते हैं टोटल माल कितने का है हमारे पास, ऐसे तो 8900 ये है और इधर कितना का है पूरा गिनती कर लेते हैं, था पता चल जाएगा कि कितना का हमारे पास माल है। आइए दोस्तों दिखाते हैं क्या क्या 8900 में क्या क्या माल है। तो दिखाते हैं, झोला में रखकर निकालते हैं, तो इसमें 10 पीस मिक्स वाला गमछा है और ए सूती वाला है 5 चौका, 2 2 4 5 5 पीस लुंगी है, 3 प्रकार का ओढ़नी है यानी कि 3 प्रकार का ओढ़नी लाए, ये हो गया झोला में। और अभी बोरा में क्या दिखाते हैं, क्या है नाइटी है 6 2 8 पीस और कुर्ती है कितना 4 4 4 11 तो फिर नाइटी है नया डिजाइन में नाइटी एक कुर्ती है और एक प्लाजो सेट है। ये
ये छोटा वाला प्लाजो है, ये भी चैन में नाइटी है, चैन वाला सर नाइटी है। 1 से 7 साल बच्चे का टी शर्ट है, 1 पीस एस्तियान वाला टी शर्ट है, 6 पीस जेंट्स में, और नाइट पैंट है छोटे बच्चे का, 8-9 साल बच्चे का। और एक एक कुर्ती में कुर्ती है, लगता था वही वाला पुराना वाला दिया है। और ये सब लगेगी दोस्तों, देख सकते हैं इतना ही माल है यहाँ से लेकर के, और ये पूरा माल पूरा नवासी सौ का माल। तो चलिए अभी चलते हैं सारे माल को, पुराने वाले जितना है सबको गिनती कर लेते हैं, उसके बाद में सब सजा जा है रेडी हो जाएंगे। भी सारे माल को सारे माल को और इस झोला में का टोटल गिनती कर लिया, गिनती कर करके अभी चलते हैं दोस्तों, हिसाब करते हैं टोटल को, कह सकते हैं इधर है और इधर, सब हिसाब कर लेते हैं और हिसाब करके फिर निकलते हैं, देखते हैं कितना का माल बचा हुआ है। फाइनली दोस्तों हमने सारे हिसाब कर लिया और कह सकते हैं इधर हिसाब टोटल कर लिया हूँ। अभी हमारे पास टोटल रुपया जो है ना 30,600 का माल है, अभी पूरा टोटली आज लाया हूँ, और पहले का सारे मिला उला करके, और 500 रुपया कैश है, तो इसको माना जाए तो रहता है 31,000 टोटल हमारे पास, 31,000 का माल और कैश दोनों मिला करके है, 30,000 का माल है, तो इसको जो है ना 4-5-6 दिन में 10,000 का माल रहेगा तो जाएंगे माल लाने, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 5-6 दिन फेरी करते हैं, 6 दिन फेरी करेंगे उसके बाद चलेंगे माल लाने। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हिसाब साफ करते करते रात हो गया, अभी 8 बज रहा है, तो चलते हैं खाना खाते हैं। खाना भी दोस्तों आ गया है, तो देख सकते हैं इधर हमारा खाना है, दाल भात दाल चावल और भुजिया है। तो चलिए खाना खाते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू ब्लॉग्स में। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह, इतना ही, गुड नाइट।